एहसास दिलाते थे भी भारतीय रेल की तस्वीर और तस्वीर दोनों बदल रही है। ट्रेन देश से ब्रेक इंडिया के तहत बनी पहली ट्रेन है। ट्रेन पूरी तरह से पहली स्वदेशी ट्रेन है। इसके अलग अलग हिस्सों में ट्रायल होगा। पहला ट्रायल मुरादाबाद से सहारनपुर के बीच होगा। इस दौरान इसकी स्पीड बहुत अधिक नहीं होगी। यहाँ ये जांच की जाएगी कि ट्रेन के तीखे मोड़ों पर कैसा रिएक्शन देती है, गाड़ी में ब्रेक लगने पर कितना झटका लगता है और यात्रियों से भरी गाड़ी किस तरह से प्रतिक्रिया करेगी, जैसे कई पहलुओं की जाँच की जाएगी। ये एक शिफ्ट है हमारी ट्रेन का। इसमें हमारा ट्रेन विद अ ब्रेन पूरा ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसमें जो है हमारा पैसेंजर कंफर्ट के लिए वी हैव प्रॉपर एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड देन वी हैव प्रॉपर डोर कंट्रोल, ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल एंड कंफर्ट्स के लिए नेचुरली पूरा ध्यान रखा गया है। इसकी सेफ्टी के लिए हमारे पास ऑटोमेटिक डोर्स भी हैं और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ज्यादा एडवांस्ड है। तो उसमें पहले इसमें रीजनरेटिव न्यूमेटिक ब्रेक्स लगे, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक्स लगेंगे और लास्ट स्टेज में गाड़ी को रोकने के लिए ही ट्रेन ब्रेक्स। ट्रेन की फिलहाल शोध संस्था आरडीएसओ के अधीन है और आरडीएसओ के अधिकारी ही आधुनिक मशीन व तकनीक के माध्यम से इस गाड़ी का परीक्षण करेंगे। फीचर्स हैं ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के, ब्रेकिंग के, करंट टेकिंग के, प्रोपल्शन सिस्टम्स के, कंफर्ट्स के, वो सारे यूरोपियन जापानी स्टैंडर्ड्स पे आधारित है। तो ये एक नया डेवलपमेंट पूरा शिफ्ट है। तो इसलिए मेरे ख्याल से एक गेम चेंजर की तरह से ये है और इसमें खास क्रेडिट इसलिए भी जाता है कि ICF को, हमारी जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में, और उनकी पूरी टीम को कि ये इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप किया। ये भारत की ऐसी पहली ट्रेन है जिस पर अलग से कोई इंजन नहीं है बल्कि इसमें एरोडायनेमिक ड्राइवर कोच होगा जिसे नोज कोच भी कहा जाता है। ये देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो यूरोपियन ट्रेनों को टक्कर देती नजर आती है। इस ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। ये ट्रेन 18 महीने में बनकर तैयार हुई है जिसे बनाने में 100 करोड़ की लागत आई है। ट्रेन 80 का अगले 1.5 महीने तक ट्रायल होता रहेगा। मुरादाबाद सहारनपुर पर इसका पहला ट्रायल होगा। 2029 मार्च तक इसे पैसेंजर के लिए पटरियों पर उतारने का लक्ष्य है। ड्राइवर चेयर समेत इसमें 1188 सीटिंग कैपेसिटी होगी। इसके टॉयलेट हवाई जहाज की तरह बायोमेट्रिक होगी। एरोडायनेमिक स्टाइल में बनी इस ट्रेन का अगला हिस्सा कुछ बुलेट ट्रेन सा लगता है। इसमें इंजन की जगह ड्राइवर कैब है जिसे मिलाकर ट्रेन में कुल 16 डिब्बे हैं। इसके डिब्बों में ऑटोमेटिक स्टैंडिंग डोर लगे हैं जो ट्रेन की स्पीड 0 होने पर खुद ब खुद खुल जाएगी। ये हाई स्पीड ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। साथ ही ट्रेन वाईफाई से भी लैस होगी। दिल्ली से कुदरती की रिपोर्ट, न्यूज 24।